ईडी के समन के खिलाफ दायर सीएम हेमंत सोरेन की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है, जिसके बाद बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता परतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप कितने भी दरवाजे खटखटा लें, अंततः आपको ईडी के दरवाजे ही जाना होगा। ये मुख्यमंत्री जी, आप कितने भी दरवाजे खटखटा लें, लेकिन अंततः आपको ईडी के दरवाजे ही जाना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपको कोई रिलीफ नहीं मिली, आज हाईकोर्ट ने भी आपकी याचिका को खारिज कर दी और ईडी के समन के खिलाफ आप जिस तरीके से भागते दिख रहे हैं, ये क्लियर मैसेज जा रहा है कि जो इस प्रदेश में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसके तार सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी, जितना आप खर्च इन महंगे वकीलों को हायर करने में लगा रहे हैं, वो बंद कीजिए, ईडी के समन को फेस कीजिए। दुनिया की कोई एजेंसी किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा नहीं सकती, लेकिन आप जितना भागते दिखेंगे ना, उतना ये क्लियर मैसेज है कि सारा घपला घोटाला कहीं ना कहीं आपके सरकार के आपके संरक्षण में हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी, अब ईडी के समन का सम्मान कीजिए और ईडी के सामने पेश होइए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप